चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। माँ सबको डांटती है पर मैं आपको बचाऊंगी। पर डैड, अब माँ के बारे में कभी गलत मत सोचना। वो लड़की बहुत 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 अच्छी है। ऋषि, आयुष, चलो अब यहाँ से। हाँ। बोला ना इसने, बात खत्म। तो चलो आओ। चल आयुष। चल। चलो। हाँ शालू, हाँ मैं घर पे ही हूँ। ठीक है। क्या हुआ माँ? शालू मासी आ रही। कब? अभी रात को। बच्चों ये क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी। अरे क्या हुआ बच्चों? अरे यहाँ बैठो, आप इधर बैठो। बच्चों हुआ क्या? कोई तो पता नहीं मासी। अरे पर हुआ क्या? आज ना गड़बड़ हो गई। हाँ मासी, बहुत 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 गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? माँ और डैड लड़ रहे थे और मुझे लगता है माँ की गलती है। नहीं पारू, लक्ष्मी आगे कोई गलती नहीं थी। रोहन तू अच्छा चल छोड़, हम ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम मासी को बता तो दे। पर तब भी लक्ष्मी माँ की कोई गलती नहीं थी। अरे अरे तुम दोनों मत लड़ो, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या? माँ ना बहुत जिद्दी हो गई है, मुझसे भी ज्यादा। क्यों, क्या किया दी ने? कुछ नहीं किया, यही तो दिक्कत है। मासी माँ बहुत अड़ियल हो गई है, अपने मन की बात बाहर ही नहीं ला रही है, जिद तो अड़ गई है। मासी इतनी जिद तो मैं भी नहीं करती। अच्छा, मैं भी नहीं करता मासी, पर लक्ष्मी माँ की जिद सही है। अच्छा जी, सही है। मासी पता है किचन में आग लग गई थी और माँ किचन के अंदर थी। जी किचन के अंदर थी, उसे चोट तो नहीं? अरे मासी आप बैठ जाओ, वो ठीक है। और ठीक ऐसे नहीं होगी, मेरे सुपर हीरो डैड है ना, उन्होंने माँ को बचा लिया। तो देखो चोट तो नहीं लगी ना? पक्का? नहीं मासी, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ डैड ने बचा लिया इसलिए। मासी पता है माँ ने क्या किया? माँ डैड को थैंक यू बोलने की जगह उनसे लड़ रही थी। अभी लक्ष्मी माँ का थैंक यू बोलने का मन नहीं है, बाद में बोल देंगी। और वैसे भी अपने को थैंक यू नहीं बोलते। पर ऐसे लड़ते भी तो नहीं है ना? हाँ ये बात है, पर तब भी लक्ष्मी माँ की कोई गलती नहीं है और डैड की भी कोई गलती नहीं है। रोहन, पारू बेटा मेरे साथ आओ, आप लोगों को कुछ दिखाना है मुझे। क्या माम? माँ रिश्का, जब किचन में आग लगी थी तुम कहाँ थी? रोहन, पारू आप दोनों अपने रूम में जाओ, आप दोनों के लिए सरप्राइज है। Surprise!